हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का बी टू बी एच यू चैनल में। आज हम लोग देखेंगे, इसके पहले फर्स्ट में हम लोगों ने 1 से 54 तक के क्वेश्चन देख लिए हैं। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 54, प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली में शिक्षा की प्रमुख विधा थी, तो उसमें कौन सी प्रमुख विधा थी। वो थी मौखिक पारंपरिक। इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसमें ओरल जितने भी दिए जाते थे, तो ओरल सारे शिक्षा दी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 55, बुद्धि की एटोमिस्टिक थ्योरी किसके द्वारा प्रदान की गई है, तो ये थॉर्नडाइक द्वारा की गई है। ये क्वेश्चन दो आगे भी आए हुए हैं। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उच्च शिक्षा से संबंधित नहीं है, तो इसका और जो संबंध है वो हो जाएगा एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल। ये जो है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग वाला, तो ये संबंध नहीं है है। और फिर और जितने भी हैं वो सब सभी जो है उच्च शिक्षा से संबंधित हैं। लेकिन इसमें ऑप्शन ये बीचों ने ये ऑप्शन माना था, लेकिन ये थोड़ा डाउट वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संगठन स्कूली शिक्षा से संबंधित नहीं है, तो CSIR जो है वो स्कूली शिक्षा से संबंधित नहीं है, ये रिसर्च से तथा उच्च शिक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अन्य तीनों से भिन्न है, तो ये जो तीनों हैं ये आपस में जुड़े, जैसे व्यवसायिक आकांक्षा, आत्मसंप्रत्य, ये सब उपलब्धि प्रेरणा, ये सब आपस में जुड़े हैं। लेकिन इसमें सामान्य तर्क शक्ति जनरली रीजनिंग इज द डिफरेंट, सो दैट ये वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नीतानात्मक शिक्षण कार्यक्रम सामान्यतया निम्न में से किसकी सहायता के लिए प्रयोग में किया जाता है, तो ये धीमी गति से सीखने वाले अधिगमकर्ताओं के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये डायग्नोस्टिक रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम जो है वो धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है वो है, कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता को अच्छे ढंग से सुलझा जा सकता है, तो इसके ये किस अनुसार सुलझा जा सकता है, ये क्षमता समूहन द्वारा, मीन्स जो कैपेबिलिटी एबिलिटी ग्रुपिंग है, एक मतलब को एक निश्चित कार्य करने वाले बच्चों की एक ग्रुप बना देने पर ये अच्छे ढंग से व्यक्तिगत भिन्नता को सुलझा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मनोविश्लेषण के साथ संबंध नहीं रखता है, ये क्वेश्चन आगे भी 2016 वगैरह में पूछे गए हैं, तो ये ध्यान से देख लीजिए कि निम्न में से कौन मनोविश्लेषण के साथ संबंधित नहीं है, तो एडलर जो है वो भी साइकोअनालिसिस से है, रूम भी है, फ्रॉड भी है, लेकिन कैटल नहीं है, इनका 16 PF है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व की सबसे लोकप्रिय परिभाषा का एक भाग निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो ये जानते हैं कि इसमें एडजस्टमेंट होता है, डायनेमिक होता है, और वातावरण से प्रभावित होता है हमारा व्यक्तित्व, लेकिन ये वंशानुक्रम से प्रभावित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक जीव की मूलभूत आवश्यकताओं की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, तो ये मूलभूत आवश्यकता के लिए सबसे पहले भोजन होने से बेसिक नीड, फिर उसके बाद आता है, पहले भोजन होने से फिर उसके बाद सेफ्टी नीड, फिर आता है सेल्फ रिस्पेक्ट वगैरह, तो इस लेयर से सेल्फ स्टीम वगैरह बाद में आता है। तो हायरार्की जब वो खड़ी करते हैं तो उसमें सबसे नीचे भोजन होता है, फिर सेफ्टी आता है, फिर उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, इसलिए इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम निम्न समय से प्रभावित हुआ था, तो ये जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से प्रभावित हुआ था, जबकि इसका निर्माण जो 2009 में हो गया था। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं कि अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत निम्न में से किस आधार पर आधारित है, तो व्यवहारवादी सिद्धांत जो है वातावरण मानव व्यवहार को निर्धारित करता है, इस पर आधारित है, इस पे वॉटसन ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। फिर उसके बाद है, निम्नलिखित में कौन सा दृष्टिकोण शैक्षिक उपलब्धि से सबसे अधिक समानता रखता है, तो ये जो काई है इंडिविजुअल इंट्रैक्शन है वो शैक्षिक उपलब्धि में सबसे अधिक समानता रखता है। अगला क्वेश्चन है, अधिगम सिद्धांतों
का सिद्धांत का कौन सा वर्ग उद्दीपन के प्रात्यक्षिक संगठन पर आधारित है? ये क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ द लर्निंग थ्योरी इज द बेस्ट ऑन द परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिचुएशन। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कॉग्निटिव एरियाज, कॉग्निटिव फील्ड से या फिर संज्ञानात्मक क्षेत्र इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किशोरावस्था में निम्नलिखित में से क्या घटित नहीं होता है? तो ये किशोरावस्था में बड़ों पर अधिक निर्भरता जो है ये घटित नहीं होता है, जबकि तीव्र परिवर्तन, तीव्र शारीरिक परिवर्तन, अधिक दिवा स्वप्न और तर्क शक्ति ये सब होता है, लेकिन ये बड़ों पर निर्भरता खत्म हो जाती है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ग्रामीण प्रतिभा के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना सुझाव दिया गया है? तो 86 में नवोदय विद्यालय की बात की गई थी, तो ये योजना ही है 1986 के तहत ग्रामीण प्रतिभा के विकास के लिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पता नहीं पारंपरिक और अधिगम के लिए सही नहीं है? तो ये अधिगम सॉरी क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिपक्वता और अधिगम के लिए सही नहीं है? तो अधिगम परिपक्वता से पहले आता है ये सही नहीं है, जबकि क्या होता है कि जैसे कि कोई बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, विकास होता जाता है, उसकी मांसपेशियां भी विकसित हो जाती हैं, तो उसी के अनुसार वो सीखता जाता है। जैसे कि क्लास 1 का बच्चा, उसको हम क्लास 10 की मैथ नहीं सिखा सकते। जब वो बच्चा जो है 16-17 साल का हो जाएगा, क्लास 10th तक पहुँचता है, तो वो चीज़ आराम से सीख लेगा, लेकिन परिपक्वता से पहले अधिगम नहीं दिला सकते। वो सीढ़ियों पे चढ़ने वाला एग्जांपल भी है कि एक छोटी बच्ची रहती है, उसको मान लीजिए वो एक साल की रहती है, तो उसको सिखा जाता है सीढ़ियों पे चढ़ना, तो वो मुश्किल से सीख पाती है, लेकिन 1.5 साल में एक उसी की जुड़ाव को 1.5 साल में सिखा जाता है, वो तेज़ी से सीख लेती है। तो इस तरीके से परिपक्वता अधिगम को हेल्प करती है, लेकिन अधिगम परिपक्वता से पहले नहीं आ पाता। और फिर अगला क्वेश्चन है प्रत्येक सामाजिक स्तर का व्यक्ति उच्च स्तर के रहन सहन का अनुसरण करता है, इस तरीके के विचार को कहते हैं, तो ये संस्कृतिकरण कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कार चलाने की क्षमता ट्रक चलाने में सहायक हो, तो यहाँ पे कौन सा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कार्य कर रहा है? तो यहाँ पे अधिगम स्थानांतरण ट्रांसफर ऑफ लर्निंग काम कर रहा है, लेकिन एक इसमें भी कौन सा कर रहा है, इसमें पॉजिटिव सकारात्मक स्थानांतरण हो रहा है, क्योंकि एक कार्य चलाना की क्षमता जो है ट्रक में हेल्प कर रही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन मापन और मूल्यांकन के लिए सही है? तो ये इवैल्यूएशन इज द क्वालिटेटिव सही है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा अन्य से अलग है? तो ये वेरिएंस जो है वो ये विचलन है और सभी अदर है, तो इसलिए ये अल आंसर हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन है कि जब प्राप्तांकों का वितरण अत्यंत विषम हो तो केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वोचित मापक है। तो जब हमारा जो डेटा है वो हाईली स्क्यूड हो, मतलब उसमें बहुत अंतर हो कि कुछ ज़्यादा एक तरफ पॉजिटिव है और एक बहुत दूर पे हो, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 है, यहाँ पे परागण 10 हो जाए, तो यहाँ पे मीडियम सही होगा मापक। अब अगला क्वेश्चन जब माँ चिल्लाती है तो बच्चा रोता है, यह कौन सा मनोवैज्ञानिक नियम संपादित है? यहाँ पे शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है, इसमें अभ्यास भी काम नहीं कर रहा है, यहाँ प्रभाव भी नहीं कर रहा है, सक्रिय अनुबंधन नहीं है, यहाँ क्लासिकल कंडीशनिंग है। जैसे कि वो कुत्ते के पास जब वो फूड आता है, फूड आने से पहले वो घंटी बजाता है, तो उसके मुंह पे लार आती है चाहे खाना आए ना आए, तो इसलिए इसका आंसर ये सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।